इतिहास में कुछ ऐसे क्षण होते हैं, कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो सदैव के लिए निर्णायक हो जाते हैं। और दुर्भाग्यवश केंद्र की सरकार ने एक ऐसे मुद्दे पर एक ऐसा कदम उठाया, ऐसे समय पर उठाया जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। दो तिहाई देश की जनता कृषि पर, किसानी पर निर्भर करती है, लेकिन मैं मानता हूं कि 100% जनता किसान हितेशी है, किसान से हमदर्दी रखती है। इसलिए आपने जो कानून बनाकर और कानून बनाने की प्रक्रिया को जिस घमंड से, जिस तानाशाही रवैये से संसद में जबरदस्ती पारित करवाया, राष्ट्रपति महोदय से फटाफट दस्तखत करवाए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कोई सलाह, कोई मशवरा, और आज तक भाजपा की सरकार के व्यक्ति और मंत्री इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि इन कृषि कानूनों का निर्माण करने की मांग किसने करी। इस देश में ऐसा कौन सा किसान संगठन है, कौन सी राज्य सरकार है जो ये किसी कानून का निर्माण करने की मांग करती थी। हमारे देश में अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे होती हैं, लेकिन कौन किसान खड़ा होकर बोलता है कि हमें समर्थन मूल्य नहीं चाहिए। हमारी पार्टी ने जब हम सत्ता में थे, केंद्र में, और हर चुनाव में, हर घोषणा पत्र में कहा कि कृषि में निवेश होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, किसान को अपनी फसल का उचित से ज्यादा मूल्य मिलना चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करना चाहिए। लेकिन दूसरा चुनाव जीतने के बाद जो रवैया केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने अपनाया है, वो उस बात को दर्शाता है कि इतिहास में नाम दर्ज करवाने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। और मुझे दुख होता है, आज देश का किसान ना सिर्फ आंदोलित है लेकिन भयभीत भी है, अपने भविष्य की चिंता करता है, हमारे बच्चे पोतों का पालन पोषण कैसे होगा इस बात की चिंता करता है। और केंद्र की सरकार के लोग जो वार्ता करते किसानों से, कई दौर की वार्ता हो रही है, ऐसा कौन सा जटिल विषय है जिसको सरकार सुलझा नहीं सकती। आपको सिर्फ ये कहना है कि किसान के हित में हम एमएसपी का ये कानून का प्रावधान जोड़ रहे हैं, और तीनों कानून को वापस लो जो राहुल गांधी ने शुरू में कहा कि ये तीनों बिल घातक है, ना सिर्फ पुनर्विचार हो, इनको वापस लिया जाए, किसानों से बात करो, हम इस बात के लिए तैयार हैं। अगर किसान कोई बिल लाना चाहते हैं, कोई रिफॉर्म लाना चाहते हैं, संशोधन लाना चाहते हैं, निश्चित रूप से करो, कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन आपका करेगी। लेकिन किसान के भविष्य को कुचलकर आज पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमरीका में, ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय नागरिक है वो दूतावास के सामने जाके खड़े होकर नारा दे रहे हैं, उन्हें कौन प्रेरित कर रहा है, कौन भड़का रहा है। और जो किसान अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं सड़क पर खड़े होकर, उनको नक्सलवादी बोलते हो, माओवादी बोलते हो, आतंकवादी बोलते हो, अलगाववादी बोलते हो। साथियों, ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि केंद्र की सरकार में किसान हितेशी को नेता बैठा ही नहीं है। अब पीयूष गोयल जी बात करें किसानों से, उन्हें क्या मालूम किसान क्या चीज है, किताब पढ़ के किसान बन जाता है कोई, उनका दुख दर्द समझ सकते हैं क्या? सिर्फ टालने के लिए, लटकाने के लिए बार बार वार्ता कर रहे हैं, लेकिन किसान ना समझ नहीं है। और आरोप तो लग रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां इसको प्रोत्साहित कर रही हैं, बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, अगर किसानों के साथ खड़ा होना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं, अगर किसानों का समर्थन देना राजनीति है तो राजनीति कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन किसानों के नाम पर आपने जो ये षड्यंत्र रचा है, और केंद्र की सरकार को समझना चाहिए कि सरकार अगर कुछ निर्णय वापस लेती है तो कोई हार नहीं है, कोई लज्जा वाली बात नहीं है। रास्ता ठीक करना, संशोधन करना, रोल बैक कर लेना, कानून वापस ले लेना, माफी मांग लेना, ये नेता का कद बढ़ाता है। हम धन्यवाद करेंगे केंद्र सरकार का अगर वापस लेते हैं वो,
लेकिन लेने वाले इसलिए नहीं है क्योंकि जिद अड़ गई है कि मैंने जो सोच लिया वो बिल्कुल सही है। अरे राजस्थान का किसान जो 6 बोरी अनाज पैदा करता है वो चंडीगढ़ जाएगा, दिल्ली जाएगा, बंबई जाएगा, और प्रावधान ये दिया है अगर उसका पैसा उसको नहीं देगा व्यापारी तो एसडीएम से बात करो। अब एसडीएम कलेक्टर को हर दोबीके के किसान की चिंता होगी जो किसी और प्रदेश से आया हुआ है। कोर्ट कचहरी आप जा नहीं सकते, कानून से आपके हाथ बांध दिए, और मैं समझता हूं आने वाले समय में जो लोग कृषि पर निर्भर थे वो ऐसे चंगुल में फंस जाएंगे बड़े बड़े उद्योगपतियों के और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कि आगे 10-20 साल के बाद हो सकता है 1-2 साल ये सब काम ठीक निकल जाए, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने एयर इंडिया हो, बीएसएनएल हो, पीएसयू हो, कोल इंडिया हो, रेलवे हो, हर चीज का निजीकरण करना, आप जब विपक्ष में थे तो खूब नारा देते थे स्वदेशी का, आज सब चीजों को आप गिरवी रख रहे हो, बेच रहे हो, आप जीएसटी का विरोध करते थे आज उसकी वहालत करते हो, आप नरेगा पर मजाक उड़ाते थे, संसद में प्रधानमंत्री ने बोला कि नरेगा का कानून है इतिहास का खंडर बनेगा, आप सब जानते हो ये कोरोना काल में तो सरमर आ गई थी, इस नरेगा ने राजस्थान और देश का पालन पोषण किया है, सोनिया गांधी जी ने निर्माण किया था उस कानून का, मनमोहन सिंह जी ने किया था, कैसे दोगले लोग हैं। लेकिन आज पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस पार्टी निर्णय लिया है, और मैं समझता हूं प्रकाश जी इस बारे में बताएंगे अभी, लेकिन आज का दिन एक शुरुआत होनी चाहिए, एक आंदोलन बनकर काम करना पड़ेगा हमें हर जिले ब्लॉक में, और हम सब मिलकर किसान के हित की बात अगर करते हैं तो ये राष्ट्रवाद है, असली राष्ट्रवाद है। ये जो झूठे निक्कर पहन के भाषण देते नागपुर से वो राष्ट्रवाद नहीं है। इस काल में आप लव जिहाद के कानून बना रहे हो, आप शादी ब्याह पे चर्चा कर रहे हो और किसान के भविष्य को अंधेरे में धकेल रहे हो। इतिहास गवाह है साथियों, इस देश में अधिकांश किसान नेता कांग्रेस पार्टी से हुए, कुछ और दलों से हुए, लेकिन भाजपा से किसान नाम की चीज आज निकली नहीं है। किसान नेता भाजपा के कभी हो नहीं सकते, वोट लेना अलग बात है भ्रमित कर, लेकिन आज वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा, और हम सब एकजुट होकर इस रास्ते पर निकलेंगे। राजस्थान का किसान, देश का किसान आज हमसे उम्मीद रखता है। हम सरकार में राजस्थान में, हम सरकार में छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, लेकिन जहां सरकार में नहीं भी है वहां भी हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। और जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी ने कहा है कि इस लड़ाई को अंतिम छोर तक लेकर जाएंगे, हम भी देखते हैं कौन कितना जीतती है, या इनकारी सरकार जीतती है या हिंदुस्तान राजस्थान का किसान जीतती है। हम सब मिलकर आने वाले कुछ दिनों के अंदर इतना दबाव बनाएंगे, मुझे विश्वास है सभी लोग एकजुटता से अगर काम करेंगे, एक नारा देंगे एकता का, और सारी बातें भूल कर किसान के नाम पर पूरे प्रदेश और देश में परचम फैलेगा किसान का, तो केंद्र की सरकार का शीश झुकेगा और इन तीनों कानूनों को वापस देना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एक बार पुनः डोटासा जी का, गहलोत साहब का, कि आपने सबको यहां पर आमंत्रित किया, लेकिन आज से यहां से निकलकर जयपुर के बाद सभी जिलों में, ब्लॉकों में जाकर हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और इस कठिन समय में याद रखो साथियों, जब चुनौती आती है, दुख होता है, संकट होता है, खतरा होता है, तभी अपने पराए का पता पड़ता है। हम गांव में जाकर किसान के साथ खड़े होंगे, किसान समझेगा कि दिल्ली में बैठे लोग हमें भरगरा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और कांग्रेस हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। आज आप सब यहां पर आए, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हम लोगों ने जो आज संकल्प लिया है, जिस रास्ते पर निकले हैं, उसमें जीत किसान की होगी, जीत आप सब लोगों की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।